शामिल हुआ जाए और की हिमालय में दूर दराज का आवाज पहुंचाई जा सके, परंद आवाज से इज़राइल किया जा रहा है, यमन में हर जगह जो भी अहले बैत के रास्ते पर चलने वाले हैं, जो भी इस्लाम को सही तरीके से समझ रहे हैं, उनका यह फरीजा है कि जुल्म के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करें। आज रोज़ कुद्स है, सबसे ज्यादा जुल्म फिलिस्तीन में हो रहा है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों पर जुल्म किया जा रहा है, लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, और ये जुल्म इसराइल कर रहा है और कई ताकतों की सरपरस्ती में कर रहा है और कुछ बादशाह भी इसराइल की मदद कर रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन उलमा को मजबूर कर दें जिन्होंने बादशाहों के हाथों पर तैयब कर रखी है, जिनकी वजह से सऊदी बादशाह ताकत में है, कि अपनी फैज को तोड़े और मैदान अमल में आए और मजलूम की हिमायत का ऐलान करें। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा, हमारी जिंदगी में आएगा, जब पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत होगी, जुल्म का खात्मा होगा। वाकिल दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। यहाँ पे इसराइल का अलामती झंडा निर्देश किया जाएगा, उसमें भी आप हजरात शामिल हो, बड़े आवाज से एक बार जाके मीडिया के जरिए कराने जुल्म तक हमारी आवाज जाए। आज के दिन जैसा कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया था कि जुमे के दिन माह मुबारक रमज़ान के जो आखिरी जुमा है रोज़ कुद्स के उनवान से मनाया जाए। ये इस्लामी ईरान का जो इंकलाब है उसकी बरकत से फिलिस्तीन का मसला आज भी जिंदा है, वरना लोग भूल चुके थे कि फिलिस्तीन भी कोई मुल्क है और वहाँ पर यह जुल्म हो रहा है। बहरहाल ये हर इंसान का फ़र्ज़ है, वो इंसान जो अदल से मोहब्बत करता है, इंसाफ से मोहब्बत करता है, वो मज़लूम फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी ताकतों से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो आज इसराइल के साथ हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि बेशक इसराइल ने बज़ाहिर अपनी जुल्म की इमारत को बहुत बुलंद उठा रखा है और लोग कहते हैं इसराइल बहुत ताकतवर है, लेकिन
इसराइल की जो बुनियाद है वो बहुत ही कमज़ोर है। ये जैसा कि हिजबुल्लाह की कैद से हसन नसरुल्लाह हफ़िज़हुल्लाह आपने कहा था, ये अनकबूत यानी मकड़ी के जाल से भी ज़्यादा कमज़ोर इसराइल का। एक दिन इस जुल्म में खात्मा होगा इंशाअल्लाह, ताकि मुसलमान बेदार हों और इंतखाब दुरुस्त करें लीडर का, कायद का सही लीडर अगर उनको है से लीडर उसकी तरफ आएँ, क़यादत कर रहे हैं आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई साहब, इन्हीं क़यादत में आएँ और जो लोग इनकी क़यादत में हैं वो मुकाबला कर रहे हैं, ज़ालिम का मुकाबला कर रहे हैं। लीडरशिप बहुत ज़रूरी है और लोग प्रोपेगंडा भी कर रहे हैं। अगर खुद को ज़ालिमों के पंजे से आज़ाद कराना है तो उसका एक ही रास्ता है कि वो मुकाउमत और मुकामत की सरपरस्ती उलमा कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो ज़माने गैबत में इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। उनमें से सर फहरिस्त आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, इनकी क़यादत में दुनिया के कोने कोने में तहरीकें चल रही हैं। इंशाअल्लाह ये तहरीकें कामयाब होंगी। मैं भी कह रहा हूँ कि जुल्म से मज़लूम को दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। थैंक यू सर, थैंक यू। इज़राइल, इज़राइल, अमेरिका, दाइश, इज़राइल मुर्दाबाद। भाई पीछे तो ये क्या है, क्या चीज चला रहे हो? साल के बाद ऐसे तो जब से कोरोना आया था हम लोग ऑनलाइन कर रहे थे, इसलिए एहतजाज तो कभी बंद नहीं होता है। एहतजाज तो आप अपने घर में आज बहुत से ज़रा आपके पास हैं, वहाँ बैठ कर सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं। लेकिन इस बार चूंकि पिछले साल आपने देखा कि रमज़ान मुबारक में किस तरह रोज़ेदारों को घुस कर मारा गया मस्जिद अक्सा में, जबकि वो इबादत कर रहे हैं अल्लाह की वहाँ पर, सिर्फ इस वजह से ताकि इनको डरा दिया जाए, ये जो कदीम महल वहाँ पर हैं फिलिस्तीनियों के उनको खाली कर दिया जाए, यहूदियों को आके बसा दिया जाए। और फिर 11 रोज़ा जंग हुई है हमास के साथ उसी के नतीजे में, और नतीजा ये हुआ कि जो अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहता था उसका आयरन डोम जो उसका अपना डिफेंस सिस्टम था वो फेल हो गया, और हमने देखा कि फिलिस्तीनी आवाम बंकरों में छुट्टी फिर रही है। तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं जिसकी वजह से जंग वजूद में आए? अब इस रमज़ान में आप देख रहे हैं कि मुसलसल फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, उनकी औरतों को मारा जा रहा है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। आप यूक्रेन के लिए एहतजाज करते हैं, हम बिल्कुल जंग के हक में नहीं है। यूक्रेन में जो हो रहा हो, यमन में जो हो रहा हो, शाम में जो हो रहा हो, बिल्कुल गलत हो रहा है, जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए यूरोपीय यूनियन में आवाज़ उठाई जा रही है, यूनाइटेड नेशन में आवाज़ उठाई जा रही है कि रशिया गलत कर रहा है। आपको रशिया का जुल्म नज़र आ रहा है, आपको इसराइल का जुल्म नज़र नहीं आता फिलिस्तीन में, आपको अमेरिका का जुल्म नज़र नहीं आता अफगानिस्तान में और इराक में और सीरिया में। ये दाइश जैसी जमातों को खड़ा कर देती है, लेकिन नतीजा क्या है? जब इराक में हमला हुआ और इन्हीं लोगों ने जो यूरोप है और उसने एक टीम बनाई कि उसका उसको तहकीक की जाए कि ये जो हुआ है ज़माने में सद्दाम के ऊपर हमला वो सही हुआ या नहीं हुआ, तो ये कहा गया कि सिर्फ बहाना बनाया गया था। एक अभी ट्रंप भी चले गए हैं, उसके बाद नितिन याहू चले गए 11 रोज़ा जंग के बाद,
और नतीजा ये है कि इंसानियत की तरह ये मजलूम मारे जा रहे हैं, जालिम के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। इस एहतजाज का मकसद यही है कि जालिमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए, हमारा हक जो है हमें दिया जाए, हम किसी जंग के हक में नहीं है, लेकिन हम पर अगर जंग थोपी जा रही है तो मैं जा सकता हूँ। चाहे नादानी हो, ये सब चीज़ें भूल जाना चाहिए। अल्लाह से उम्मीद है और दुआ करते हैं कि इस माह रमज़ान के सदक़े में और इस आखिरी दुनिया के सदक़े में, जो विदा के सदक़े में, ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए और फिर से सब के सब दुनिया के जितने मुसलमान हैं फिलिस्तीन में इकट्ठा हो और एक जश्न मनाया जाए और वहाँ फिर से नमाज अदा हो, ताकि ये जुल्म जो सदियों से चला आ रहा है इसको भी, इसकी भरपाई हो सके और ज़ालिमीन को पैदल किरदार तक पहुँचाया जाए।